80 के दशक की सबसे चहेती और खूबसूरत एक ट्रेस में से एक जयाप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग के अलावा उनकी नृत्य में कुशलता उन्हें उस जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेस बनाता था। जानते हैं जयाप्रदा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। जया के बचपन का नाम ललिता रानी था और जया के पिता एक फिल्म फाइनेंसर थे। जयाप्रदा की जोड़ी अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और जितेंद्र के साथ काफी पसंद की गई और सुपरहिट रही। फिल्म शराबी में जया और अमिताभ की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उनकी जोड़ी साउथ इंडियन एक्टर रजनीकांत और कमल हासन के साथ भी काफी पसंद की गई। जया की शादी पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप प्रोड्यूसर श्रीकांत नेहाटा से हुई, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था। डैश फिल्मों के अलावा जया ने राजनीति पर कदम रखा और साल 1994 में तेलुगु देशम पार्टी की शुरुआत की। डैश बाद में जयाप्रदा ने चंद्रबाबू नायडू के साथ अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाया और अंत में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। जया ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़, मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। डैश जया एक बेहतरीन डांसर बन सकी, इसके पीछे उनकी माता का हाथ था। उन्होंने बचपन से ही उन्हें डांस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। मात्र 14 साल की उम्र में जया ने अपने स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन में डांस परफॉर्मेंस दी थी। डैश इस डांस परफॉर्मेंस को देखने वालों में एक डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने जया के डांस से प्रभावित होकर जया को अपनी एक फिल्म में डांस करने का मौका दिया। डैश उस फिल्म में जया का डांस 3 मिनट का था, जिसके लिए उन्हें 10 रुपए दिए गए थे। ये डांस ही उनका टर्निंग पॉइंट था। इसे देखने के बाद जया के पास बड़े बड़े निर्देशकों के कॉल आने लगे। डैश जया ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऋषि कपूर के साथ फिल्म सरगम से डेब्यू किया था। उनकी डेब्यू फिल्म उस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी।